नमस्ते। मैं रिलायंस को शॉर्ट किया हूँ आज। ओके, मार्केट में एक कंसोलिडेशन आना चाहिए तो आज का दिन में। ओके, तो स्ट्रक्चर तो हायर ही है, इसमें एक गिरावट का इंतजार है। ओके, इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर खुल के, क्या है एक इम्पोर्टेंट लेवल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली प्राइस इसमें फंस चुका था एक कैंडल में। ओके, ये जो कैंडल है ना, इसका इसका जो हाई के ऊपर खुल के वो सपोर्ट होना चाहिए था, उसको इसने ब्रेक कर चुका है। ओके, उसको ब्रेक करके लोअर लो कर चुका है, वो कारण से ये नीचे गिरना चाहिए। द सेम वे एनर्जी जो है, इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है, जो सपोर्ट है, मतलब ये जो रेंज है ना, इसको इसके ऊपर ओपन करके इसने इसको तोड़ चुका है। मतलब निफ्टी भी सपोर्ट तोड़ चुका है, बाद में एनर्जी भी सपोर्ट को तोड़ चुका है। इसका मतलब है रिलायंस में गिरावट आना चाहिए, इसका इंतजार है। क्योंकि निफ्टी हमें इधर एक इम्पोर्टेंट लेवल था, ये जो स्विंग है ना, इसका हाईएस्ट वॉल्यूम उधर ये रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा था। ओके, वो कारण से ये नीचे सरकना चाहिए। इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है, ये लेवल्स तक का आने का क्षमता होता है निफ्टी में। ओके, तो देखेंगे वो क्या इधर तक आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्या करेगा। स्टॉप लॉस तो बचना चाहिए। स्टॉप लॉस इज प्लेस्ड 308.50 पे, इसका स्टॉप लॉस है 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस में। ये अभी नीचे गिरना चाहिए। ओके, ये लेवल तक। ओके, 50 पॉइंट्स का गिरावट इसमें आना चाहिए। लेट्स सी, ये जोन पे इसका टारगेट होना चाहिए। कोई कारण से वो लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपडेट करता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। इसमें क्या अदर लॉजिक्स था? ऑलराइट, अगर आप इधर देखते हो ना, आप इधर देखते हो, जब ये नीचे गिरा था ना, मतलब अगर हम जिगजैग डालते हैं, इधर ये स्विंग से ये लो इसने इधर बनाया था, बाद में ये हायर ही मार के इधर तक ऊपर गया था। सही है हा? आज भी हायर ही किया है, आज ही हायर ही किया है। जब ये स्विंग आया था ना नीचे, हा? जब ये स्विंग आया था, फर्स्ट टू फिफ्थ है ना, उसका मतलब है फर्स्ट टू फिफ्थ, मतलब इधर किधर भी इसने हाई मारा था, इधर किधर भी इसने लो मारा था। सही है, इधर किधर भी इसने लो मारा था। इसका बीच का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो है दिस वन। ये वाला है, अगर मान लो इसको ऊपर जाना है, देखो इसका वॉल्यूम ये वाला है। ओके, इसका वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम देखते हैं, वेयर वाज द वॉल्यूम, ये केस में इसका ये वॉल्यूम को इसने ब्रेकआउट इसने किया है। सही है ना? लेकिन फिर भी वो जो अपर साइड किनारा है, कौन सा है अपर साइड का किनारा? जब वॉल्यूम बढ़ा है, ये जो अपर साइड का किनारा अपर साइड का रेंज है ना, इसको तोड़ नहीं पाया है। सही है क्या? हाँ, जब वॉल्यूम आया था इसको तोड़ नहीं पाया है। इसका मतलब है इधर से इसको रिजेक्शन मिल सकता है। ओके, वो कारण से मैं इसको शॉर्ट किया हूँ, नीचे आना चाहिए। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर आज भी हायर ही बन चुका, कल हाई वोलेटाइल था, आज हायर ही बनाया है। तो अगर मान लो इसका जो 3P का लेवल है, 3P का लेवल है, मतलब 3P मतलब क्या है? प्राइस बढ़ चुका है, प्राइस बढ़ चुका है, प्राइस एंड डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ चुका है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा है। ओके, ए लेवल इसके ऊपर ये जा रहा है ना। सही है ना? तो इसका मतलब है इसका डिफॉल्ट लोकेशन होगा ये वाला, अगर ऊपर से ये नहीं मिलता है। एक बुलिश स्टॉक का डिफॉल्ट लोकेशन होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट पे ये आना चाहिए अगर उधर रेजिस्टेंस मिला तो। देखेंगे क्या इधर तक आएगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस उठ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन निफ्टी को तो नीचे गिरना ही है भाई, देखो सपोर्ट है, ये सपोर्ट के ऊपर इसने खुला था। ओके, आज क्या होना चाहिए, एक कंसोलिडेशन करके ये इसका डिफॉल्ट लोकेशन जो है उधर तक आना चाहिए। ये इसका रेंज है, ये इधर तक आ सकता है। इसको थोड़ा मॉनिटर करो भाई, मतलब पता नहीं आपको समझ में आता है नहीं आता है, इतना ही बोल सकता हूँ मैं ये 5 या 10 मिनट्स का वीडियो में। ओके, देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट को इसने तोड़ा है। एंड इफ यू सी, मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ मैं,
इधर देखो, हम थ्री पी बोलते हैं ना, थ्री पी, थ्री पी एंड थ्री जी। इसने क्या किया था कल, ये रेंज के बाहर इसने क्लोज कर चुका था, सही है ना। इसका मतलब है आज इसको तोड़ के बाहर निकलना चाहिए, हा? समझ रहे क्या? देखो इसको मैं बता रहा हूँ अभी, इसको देखो 5 मिनट्स में ऊपर करता हूँ, कल का क्लोजिंग इसके ऊपर है। इसका मतलब है ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को इसने तोड़ा है ना, तोड़ा है ना। हाँ, अगर ये तोड़ा है तो निफ्टी भी ये सपोर्ट को तोड़ा है, सही है। इसका मतलब है इसमें कोई बहिंग नहीं आ सकता है भाई। हाँ, तो ये कारण से मैं इसको ये किया हूँ, चल रहा है। हाँ, कैसे चलता है, चलने दो। हाँ, जो मतलब अगर गया ना, हाँ इसमें स्टॉप लॉस रखा हूँ, 302 पे एंट्री है, 308.50 पे इसका क्या है, स्टॉप लॉस है। अगर गया भी 1000 रुपीज जाएगा, मेरा जिंदगी नहीं जाएगा, मेरा जो बिजनेस है ट्रेडिंग का, वो अगर मान लो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया ना, आज जो कैसा चल रहा है कल भी ऐसे ही चलेगा। हाँ, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं कोई और ट्रेड नहीं लेता हूँ, मतलब और भी स्टॉक्स है मेरे पास, HDFC बैंक शॉर्ट के लिए, सन फार्मा भी शॉर्ट होगा, सिप्ला भी शॉर्ट होगा। हाँ, ये मतलब ये रखा हूँ मैं, मतलब ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, बाहर जा रहा हूँ, मोबाइल पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर एक गया ना, 53 तक का ये आने का क्षमता होता, देखो क्या होता है, देर आर सो मेनी सपोर्ट हियर, हमें एक एस्टिमेशन लोकेशन एस्टिमेशन कर सकते हैं, ये कोई पोस्ट ऑफिस का स्कीम नहीं है, है? मतलब पक्का गारंटी मिलेगा मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, है? अगर आ गया तो इधर तक आ सकता है, नहीं तो इधर किधर भी रुक सकता है, ये लो पे ही सपोर्ट भी, ये लो भी सपोर्ट भी है, हा? हम उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, वो मॉनिटर करेंगे मोबाइल में, कोई बड़ा बात नहीं है। हा? अगर हम देखते हैं ना, एनर्जी एडमिट है लोअर लो, सही है ना, लोअर लो ये कर चुका है। तो ऐसे अभी अगर मान लो ये टूट गए ना लो के नीचे, एक बड़ा सा गिरावट हम इंतजार कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉप लॉस उठ जाएगा, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फाइन भाई। हाँ, ये आज का ट्रेड था, मिलेंगे टुमारो इन सम अदर वीडियो, टेक केयर। मैं इधर एक चीज भूल गया, मैं किधर एंट्री किया था, ओके, एंट्री किधर किया था, एंट्री पॉइंट क्या है, कल देखो ये ऊपर गया था, इसके ऊपर जाके रिजेक्ट किया था ना, ये जो कैंडल है 20th, 20th, इधर इसने हाई इधर बनाया था, बाद में इधर लो बनाया था, जब गिरते समय इसने इधर एक सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया था, कल इसका क्लोजिंग इसके नीचे था। तो अगर आज गिरना है ना, देखो ये सपोर्ट के ऊपर खुला है, मार्केट सपोर्ट तोड़ा है तो सपोर्ट तोड़ना चाहिए ना, वो कारण से मैं इसको स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करके इसको स्टॉप लॉस लगाया हूँ। अगर स्टॉप लॉस गया कितना जाएगा, 1000 रुपीज जाएगा। अगर मिला ना, मैं अगर देखो इसका डिफॉल्ट लोकेशन होता है सपोर्ट, सपोर्ट इधर किधर भी है, किधर है, वेरी थ्री पी, इसके आसपास में है 53। हाँ, इधर तक हम कोशिश करेंगे, नहीं तो क्या होगा, स्टॉप लॉस उठ जाएगा, जाने दो, कल दिखेंगे। ओके फाइन। हाँ, ऑल राइट, मिलते हैं। हाँ, बाद में मेरा ट्रेड्स को देख के कोई पोजीशन नहीं बनाना भाई, मार्केट गिरेगा, आज एक्सपायरी है, एक ट्रेड लूंगा, हाँ ये एक रात में करोड़पति बन जाऊंगा, हाँ ऐसा नहीं चलेगा मार्केट में, रोड पे आना वो लिखित है। हाँ, अगर मेरा बात आपको समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आ जाएगा। टेक केयर।